हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द ब्रेन गेन। आज का टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो जैसे कि क्लास नाइन्थ में हमने सबने पढ़ा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में कितनी सारी चेंजेस आई। जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म है वो सबसे पहले हुआ था फ्रांस में, यानी कि यूरोप में सिर्फ फ्रांस ही एक ऐसी कंट्री थी जहाँ सबसे पहले नेशन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म सबसे पहले शुरू। जब फ्रांस की सोसाइटी डिफरेंट क्लासेस में बटी हुई थी, जैसे कि क्लर्जी, नोबल्स, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, वो सब चेंज हो गया। देन आफ्टर द एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म और रिवोल्यूशन के बाद जो सुप्रीम पावर है, जो सोवरेनिटी है, वो मोनार्की या फिर जो राजा है उसके हाथों से चला गया कॉमन सिटीजन्स के हाथ में। जो आइडियाज ऑफ ला पैट्री है, यानी कि द फादरलैंड एंड सिटोयन, मतलब कि सिटीजन्स, यानी कि आप पहले सिटीजन हैं, आप पहले नेशन के नागरिक हैं, उसके बाद आप क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, ये सब आइडियाज वहाँ पे इम्फेसाइज होना शुरू हो चुकी थी। तो 1789 के बाद फ्रांस में बहुत सारी चेंजेस आईं, जैसे कि फ्रांस का एक नेशनल फ्लैग बनाया गया, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। अगर याद होगा कि पहले एसटीएस जनरल हुआ करता था, पर जैसे ही रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद एक न्यू असेंबली को अपॉइंट किया गया, जिसे एक्टिव सिटीजन्स ने वोट करके इलेक्ट किया था। इसके बाद न्यू हिम्स वर कंपोज्ड एंड ओथ्स टेकन, यानी कि शपथ लिए गए थे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज अबॉलिश्ड, कि जितने भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज है, जो टैक्स पे करते थे एक ही पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए, वो भी फ्रांस के अंदर ही, वो सारी चीज़ों को हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। इसके बाद रीजनल डायलैक्ट्स वर डिस्करेज्ड, यानी कि जो भी अपनी लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको डिस्करेज किया गया और सिर्फ फ्रेंच को अपनाया गया। द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड सिटोयन, ये सारी चीज़ें, ये जो आइडियाज़ हैं, ये हमें ये बताती हैं कि किस तरह से फ्रांस में एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आ चुकी थी, जिससे उन्होंने फ्रांस को एक किंगडम से नेशन में चेंज कर दिया और यहीं से निकला नेशनलिज्म का आइडिया। सो सबसे पहला आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आया फ्रांस में इन 1789। तो अब ये रेवोल्यूशनरीज ने डिक्लेयर कर दिया कि ये उनका मिशन है कि वो फ्रेंच नेशन को लिबरेट करेंगे और दूसरे पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी डिस्पोटिज्म को ख़त्म करेंगे। राजा के जितने भी जुल्म थे उन सबको वो ख़त्म करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स ने और दूसरे मेंबर्स ने, जितने भी एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्होंने जैकोबिन क्लब्स भी फॉर्म किए, जिसके वजह से धीरे धीरे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म फैलता गया बिकॉज ऑफ फ्रेंच नेशन। फ्रांस में जितने भी नेशनलिज्म की आइडिया हैं, ये बाय द रेवोल्यूशनरीज फैलाया गया बाकी पार्ट्स के यूरोप में, फॉर एग्जांपल हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रूसल्स, मिलान, वॉर्सो एक्सेट्रा। इन सभी जगह पर जब आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को लाया गया तो लोगों ने इसे अपनाया और जो सुप्रीम पावर है वो मोनार्किकल सिस्टम से हटा के एक इलेक्टेड बॉडी, यानी कि रिपब्लिकन कंट्री में चेंज कर दिया। अब रिपब्लिक कंट्री वो होती है जहाँ पे सुप्रीम पावर एक इलेक्टेड हेड के पास होती है, यानी उसे इलेक्ट करके चुना जाता है और उसे चुनते हैं वो सारे सिटीजन्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रेन गेन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज कमेंट। थैंक यू।